एवरीवन, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम इंग्लिश अपडेट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं SOLTU में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और उसके दौरान आपको जो भी परेशानियां आ रही हैं उस क्लास को अटेंड करने में, यानी कि जो आज ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करें, तो उसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने ऑनलाइन क्लासेस किस किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल क्रोम पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर sol.du.ac.in पर क्लिक करना है, फिर आप गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको नीचे आना, यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर नोटिस दे रखा है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने डाउनलोड कर रखा है, आपको उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिस आ जाएगा। ये देखिए, ये नोटिस जो दिया गया है ये ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड है। क्लासेस लेने से पहले आप सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले बता रखा है BA प्रोग्राम सेकंड ईयर के लिए जो क्लासेस है वो 5 मई से स्टार्ट हुई हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट दे रखे हैं हमारे, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, HR JEE, हिंदी, इंग्लिश A&B, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे BA प्रोग्राम थर्ड ईयर एनुअल मोड दे रखा है, ये क्लासेस भी 5 मई से ही स्टार्ट हैं। उसके बाद BCom और BCom थर्ड ईयर का दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये डाउनलोड कर लेना है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लासेस देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, BA प्रोग्राम थर्ड ईयर एनुअल मोड। तो थर्ड ईयर में हमारी देखिए क्लासेस स्टार्ट कब से, 5 मई से, थर्ड ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले इकोनॉमिक्स की, यानी कि जो अब स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आज 6 मई है, तो एक क्लास कल हो चुकी है, दूसरी क्लास आज हुई थी, टाइमिंग भी दे रखी है इसमें, देखिए 3 से 5 बजे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आपको आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपको बैक करके दोबारा ऊपर जाना है। देखिए यहाँ लिखा है, डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड, यानी कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। प्लीज़ लॉग इन टू स्टूडेंट डैशबोर्ड टू सी द स्केड्यूल एंड जॉइन द क्लासेस। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट डैशबोर्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम उस पर स्टूडेंट डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है, जैसे कि मैं SOL का अपना रोल नंबर और ID दोनों चीज़ फिल कर देती हूँ। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड स्केड्यूल्स। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड स्केड्यूल्स, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जो बच्चे जिन्हें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं आया है, तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी वरी ना हो, क्योंकि अगर आपके पास ईमेल या फिर पासवर्ड नहीं है उसके अलावा भी आप ले सकते हैं एज अ गेस्ट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे नीचे दे रखा है डाउनलोड टीम्स ऑन योर मोबाइल डेस्कटॉप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से जो डेस्कटॉप है वहाँ से आपको टीम वाली ऐप प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं बता देती हूँ आपको, ये भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ऊपर डाल देना है टीम्स, ठीक है। जैसे आप टीम्स पर क्लिक करेंगे, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन हो जाएगा। इस पर आपको ओपन पर क्लिक कर लेना है, जब आप क्लासेस लेंगे तो आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अपनी पहले वाली वेबसाइट पर जाएंगे, sol.du.ac.in। तो उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन क्लास, यानी कि आपका ये जो सबसे पहले दे रखा है ना ऊपर, इस पर आपको ब्लू वाले पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए 6 मई 2020 की दे रखी है यहाँ पे क्लासेस, नेहा अट्री, क्लिक हियर टू ज्वाइन दे रखा है यहाँ पर। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है इकोनॉमिक्स की क्लासेस दे रखी है आपको यहाँ पे पहले, और उसके बाद
ये देखिए ये आपकी है 3 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। यानी कि ये जो आज क्लास थी 6 मई को हुई थी आज ये क्लास, और कल 7 मई को दोबारा होने वाली है इकोनॉमिक्स की। इसका भी टाइमिंग वही है 3 से 5, पर इसका देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू ज्वाइन यहाँ दे रखा है क्योंकि आज 6 तारीख है इसलिए, और ये 7 यहाँ नहीं दे रखा क्योंकि यहाँ पे कल आपको ज्वाइन करना है इसलिए आपको यहाँ दिया होगा, तो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। दोबारा मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपको कौन सी क्लास लेनी है यहाँ पे क्लिक हियर टू ज्वाइन पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। हमारी वेबसाइट खुल गई, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो गया है आपका। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है साइन इन करना है या साइन अप फॉर फ्री करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे इस पे आएंगे यानी कि जो लिंक है इस पे हम जैसे ही क्लिक करने के बाद आएंगे, तो देखिए हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, मीटिंग टाइम हाउ वुड यू लाइक टू जॉइन, ठीक है। आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप ज्वाइन एज अ गेस्ट की तरह कर लीजिए, साइन इन एंड ज्वाइन कर लीजिए। देखिए साइन इन ज्वाइन तब फ़ायदा है करने का जब आपके पास ईमेल या फिर पासवर्ड दिया गया हो, आपके पास नहीं है तो आपको ज्वाइन एज अ गेस्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपना नेम टाइप कर देना है सिंपल, जो भी आपने अपना नाम दिया हुआ है DU SOL में या फिर सॉल में आपने जो अपना नाम दिया गया आपको वहाँ पे टाइप कर देना सिर्फ नाम। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या देखेगा, देखिए यहाँ से आपकी फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे ये मैंने आपको पहली क्लास ओपन करके दिखा दी इकोनॉमिक्स की, यानी कि आज जो 6 मई की क्लासेस थी तो वो मैंने आपको ओपन करके दिखा दी। इस तरीके से आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो क्लासेस लेने में ऑनलाइन क्लासेस, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए जो ये क्लासेस का जितना मैंने आपको बताया आपको किस किस तरीके से क्लासेस लेनी है, और मैं आपको हाँ एक बात और बता देती हूँ, ये जो क्लासेस है ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यानी कि DU SOL की तरह, जैसे कि आप SOL DU में जाते हैं और वहाँ पर भी कंपलसरी नहीं होती क्लासेस, आपके मर्जी होती है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो इसलिए ये इतनी कंपलसरी नहीं है। बस हाँ एक चीज़ आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, यानी टीचर जो पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और आज 6 मई है और कुछ न्यूज़ में आपको पता है बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई से स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, फोकस करिए पढ़ाई पर। और हाँ आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, और ऑनलाइन क्लासेस लीजिए अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं है, फिर भी आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए क्लासेस कंपलसरी नहीं है और उसके लिए SOL की तरफ से एक नोटिस भी यही है कि अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं है उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ मेरे को ये भी बताना है, देखिए ये जो मैंने आपके लिए स्पेशली आपको जो इन्फॉर्मेशन को दी है कि आप ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं, तो ये और कहीं आपको नहीं बताया गया होगा कि आपको किस किस तरीके से क्लास लेनी है, बट हाँ आपको इतना बता दिया गया है कि आपको क्लास लेनी है, बस इतना ही बताया, हर किसी ने बताया आपको इतना कि आपको बस क्लासेस लेनी है, बस ये नहीं बताया कि आपको क्लासेस किस किस तरीके से लेनी है। तो मैंने सोचा कि ना आपकी हेल्प की जाए और आपको बताया जाए कि आप किस किस तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले लें इस तरीके से, ओके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 100 से रिलेटेड या किसी भी कोई भी आपको न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जाए, और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और लाइक करके ज़रूर बताना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो।